हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज और हम बात करने वाले हैं तेजी से ग्रो करने वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की। दोस्तों, इस वीडियो में हम व्हाट्सएप के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक 10 फैक्टों के बारे में जानेंगे। व्हाट्सएप को कब और किसने बनाया, व्हाट्सएप किन किन देशों में बैन है और व्हाट्सएप की सालाना इनकम किन किन देशों की GDP से भी ज्यादा है, शायद आप इन फैक्टों के बारे में नहीं जानते होंगे। तो टेंशन नॉट, इस वीडियो में जान जाएंगे। तो बिना टाइम बेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, व्हाट्सएप एक इंटरनेशनल फ्री मैसेजिंग ऐप है जिसको यूक्रेन के जेनकॉम और फ्लोरिडा अमेरिका के ब्रायन एक्टन ने मिलकर 2009 में बनाया था। फैक्ट नंबर 2, जेनकॉम और ब्रायन एक्टन ने 2009 में ही फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फेसबुक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, गूगल ने व्हाट्सएप खरीदने का प्रस्ताव दिया था लेकिन व्हाट्सएप को यह ऑफर पसंद नहीं आया, लेकिन 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 1182 अरब रुपए में खरीद लिया था। फैक्ट नंबर 4, व्हाट्सएप नो एड्स पॉलिसी पर काम करता है। आपने कभी भी व्हाट्सएप पर एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा और व्हाट्सएप ने एक पैसा भी विज्ञापन पर खर्च नहीं किया है, फिर भी यह हिट है। फैक्ट नंबर 5, व्हाट्सएप के मंथली एक्टिव यूजर्स 100 करोड़ हैं, जो फेसबुक के मैसेंजर से भी ज्यादा हैं। इसके सबसे अधिक यूजर भारत में हैं। व्हाट्सएप पर 100 करोड़ से भी ज्यादा ग्रुप बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 6, व्हाट्सएप पर हर रोज 4300 करोड़ मैसेज, 160 करोड़ फोटो और 25 करोड़ वीडियो शेयर किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है इन 6 देशों चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया में आप व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप बैन है। फैक्ट नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हाट्सएप की सालाना इनकम नासा के सालाना बजट से भी अधिक है और कई देशों की GDP भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में केवल 256 लोग ही शामिल हो सकते हैं। फीचर्स के मामले में व्हाट्सएप ने कई मैसेजिंग ऐप्स को टक्कर दी है क्योंकि इससे मैसेज, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट आदि सभी भेजी जा सकती है और वॉइस कॉल, वीडियो कॉल भी की जा सकती है। फैक्ट नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हाट्सएप के को फाउंडर जेनकॉम का परिवार इतना गरीब था कि उनके घर में बिजली तक नहीं थी और वह दुकान में सफाई और पोंछा लगाने का काम करते थे, लेकिन अपनी मेहनत और कुछ कर गुजरने की चाहत ने आज उन्हें अरबपति बना दिया है। तो दोस्तों, ये थे व्हाट्सएप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें। जय हिंद।